आज बनाते हैं मसाले वाली मिर्ची। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब बनती है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, दाल बाटी के साथ, जिसके साथ खाना चाहे ना उसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बनती है और 5 मिनट बन जाएगी। ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, और 20 से 25 दिन आप इसे स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो मसाले वाली मिर्ची को आप अचार वाली मिर्ची कहना चाहेंगे, जो कहना चाहेंगे वो आप कह लीजिए। बनाना कैसे है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 टेबल स्पून, जी हाँ 3 टेबल स्पून ले रहा हूँ मेथी दाना। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, टेबल स्पून, टी स्पून नहीं, 3 टेबल स्पून। और इसमें डाल देंगे गर्म पानी। जी हाँ, गर्म पानी इसलिए डालेंगे कि ये अच्छे से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे, क्योंकि मेथी दाना हमेशा अचार में डलता है तो वो सूखा डलता है, लेकिन उसको धूप में रखना पड़ता है। तो हम यहाँ जल्दी से डाल देंगे कि 15 मिनट में हो जाए। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मिर्ची ली है। मिर्ची मैंने ली है बड़ी वाली मिर्ची। जी हाँ, मिर्ची कई तरह की आती है, थोड़ी तीखी भी आती है, कम तीखी भी आती है, तो मैंने बड़ी वाली मिर्ची ली है जो थोड़ी कम तीखी होती है। अगर आपको फ्लेवर तीखा चाहिए तो आप दूसरी तरह की मिर्ची भी ले सकते हैं, और ऊपर से इसका डंठल तोड़ के अगर आप फ्रिज में रख देंगे ना तो 15 दिन तक खराब नहीं होगी। मिर्ची को हमेशा अगर आपको रखना है ना तो इसका डंठल तोड़ के, ऊपर का डंडी होती है ना, वो तोड़ के रख दीजिए। इस तरह की मिर्ची आती है वो थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है, और एक छोटी मिर्ची और आती है वो और भी ज़्यादा तीखी होती है। तो 200 ग्राम मैंने मिर्ची ली है, उसको अच्छी तरह धो के और सुखा लिया था, और बस पानी नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस इसे हमें रफली इस तरह से काट लेना है, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, हमें रफली ही इसको काट के रखना है, तो उसका भी आगे बताऊंगा रीज़न आपको क्या है। तो मैंने सारी की सारी मिर्ची इस तरह से काट ली, लेकिन हम इतनी मोटी मिर्ची नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि रफली इससे काट लीजिए, लेकिन आगे का प्रोसेस भी हम ध्यान रखेंगे। तो इतनी मोटी मिर्ची हम नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक मिक्सी के जार में इसको डाल देंगे, और मिक्सी में जार में डालने के बाद इस मिक्सी के जार को बहुत स्लो स्लो चलाना है, बस जंप मार के 1 या 2 बार बस। जी हाँ, इसे दरदरी सी बनानी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, दरदरी सी बनानी है। अगर आपने इसको ज़्यादा चला दी तो इसकी बिल्कुल वो हो जाएगा पेस्ट, पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो बस मैंने इसे दरदरा चलाया, और दरदरा चलाने के बाद 1 या 2 बार मिक्सी चलाई, और ये दरदरा सा हमारा पेस्ट ये तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरह से हमारा बिल्कुल है ना दरदरा वाला पेस्ट, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें नहीं बनाना, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो बस अब क्या करते हैं, मेथी दाना देखते हैं। मेथी दाना हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देखिए हाथ से तोड़ रहे हैं ना तो ये टूट रहा है, क्योंकि इंस्टेंट मिर्ची बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें अंदर गर्म पानी डाला था कि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। मेथी दाने का पानी हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसे अच्छी तरह से, पानी इस मिर्ची में बिल्कुल नहीं रहेगा, तभी ये कम से कम 20-25 दिन तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो बस चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ हमारे 3 बड़े चम्मच ऑयल। जी हाँ, ऑयल थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा रहेगा ना तो इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, और मिर्ची को प्रिजर्वेटिव भी रहेगी, और काफ़ी ऑयल इसको मदद करेगा कि काफ़ी दिन चल जाए। ऑयल कम रहेगा तो नहीं बनेगी ये। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून हमारा सरसों के वो दाने, और जिसे हम राई भी बोलते हैं, सरसों के दाने भी बोलते हैं। 1/4 टीस्पून ले रहा हूँ कलौंजी, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ले रहा हूँ इसके अंदर सौंफ। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और थोड़ी सी ले रहा हूँ हींग, 1/2 टीस्पून के आसपास हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही लाजवाब उठ के आता है इसके अंदर। और इसको हमें पकाना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जी हाँ, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है कि सौंफ पक जाए, कलौंजी पक जाए, राई हमारी चटक जाए, और हींग की है ना जो खुशबू वो भी हमारी कम हो जाए। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इन मसालों को पका लिया था, और ये बिल्कुल पक चुके हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे हमारी मिर्ची। जी हाँ, ये मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे। दरदरी मिर्ची इसलिए पीसी थी, और बहुत ही लाजवाब बनेगी दोस्तों। इसे आप हमेशा बना के घर में 100% रखेंगे कि इतनी प्यारी बनी थी। 2 मिनट तक इसे पकाना है। जी हाँ, तो पहले मिक्स कर देंगे और कल लगा के इसे 2 मिनट पकाएंगे कि मिर्ची हमारी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बस इसमें ढक्कन लगाते हैं और 2 मिनट तक पका दें कि मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो जाए। कलर पहले क्या था और अब कलर देखिए आप, कलर इसका चेंज हो चुका है। तो मिर्ची हमारी यहाँ पर हो चुकी है सॉफ्ट। देखिए, इस तरह से हमें सॉफ्ट करनी थी। अगर मिर्ची हार्ड रहेगी ना तो फिर वही वह अचार वाली कहानी हो जाएगी, इसे गलाना है, धूप में रखिए, वो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक। काले नमक से टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। और 1/2 टीस्पून डाल रहा हूँ इसके अंदर हमारा नॉर्मल नमक, सफ़ेद नमक, बाकी आप स्वाद के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाल रहा हूँ इसके अंदर हमारा हल्दी पाउडर, और इसे भी हमें क्या करना है, मिक्स करके पकाना है 2 मिनट तक। जी हाँ, फ्लेम यहाँ पर अभी तक स्लो रहेगी, हमें फ्लेम ना मीडियम करनी है ना हाई करनी है। 2 मिनट तक हमें पकाना है कि हल्दी का कच्चापन इसके अंदर से चले जाए। तो बस ये 2 मिनट मैंने इसे पकाया है, हल्दी का कच्चापन इसमें चले गया है, और ये देखिए किस तरह से दरदरी जो हमने बोली थी ना, तो वो खाने में भी आपको बहुत मजा आएगा। तो बस इसके अंदर हम क्या डालेंगे,
हमारा इसके अंदर डाल देंगे हमारे मेथी दाने। जी हाँ, मेथी दाना डालने के बाद एक टीस्पून डालूंगा कश्मीरी लाल मिर्च। जी हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च कलर बहुत अच्छा आएगा, बाकी मिर्ची तो बना ही रहे हैं। एक टीस्पून डालूंगा इसके अंदर धनिया पाउडर इसके अंदर, और इसे भी हम एक बार मिक्स कर देंगे। और इसे भी हमें पकाना है कि भैया 2 मिनट तक पकाना है, लेकिन एक बार मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के पकाएंगे, जिससे कि हमारा ऑयल रिलीज हो जाए। क्योंकि इसके अंदर ऑयल मैंने आपको बताया ना प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, वो हमारी इस मिर्ची को लॉन्ग टाइम चलाने का काम करेगा। ऑयल हम कम डालना चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। 2 मिनट इसे पकाना है, लेकिन बीच में एक बार चेक कर लेना। तो 2 मिनट मैंने पकाया, देखिए ऑयल रिलीज कर दिया इसने, मिर्ची ने आराम से ऑयल रिलीज हो चुका है इसका। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी अच्छी है, और खुशबू जब आप घर में बनाएंगे ना तो इतनी खुशबू आएगी, और इसे आप बना के हमेशा ही रखेंगे हमेशा, क्योंकि इतना फ्लेवर लाजवाब आएगा। एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अभी और भी चीज़ डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो बस ये हो चुकी तैयार, गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद एक नींबू का रस, जी हाँ एक नींबू का रस इसके अंदर डालना है, क्योंकि नींबू का रस को हमें पकाना नहीं है, वरना वो कड़वा हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही नींबू का रस डालना है, और इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसे आप किसी भी कंटेनर के अंदर, कांच का कंटेनर हो, बॉल हो, किसी के अंदर भी आप रख के फ्रिज के अंदर आराम से रख सकते हैं, कम से कम 20 से 25 दिनों तक। अब इसे आप दाल के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। लंच बॉक्स हो आपका, बड़े का लंच बॉक्स हो, बच्चों के लिए तो नहीं बोल रहा, तो उसमें भी आप लेके जा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो? अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ वापस आ जाता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।